ब्लॉक समिति की नव निर्वाचित चेयरमैन पिंकी देवी के पद ग्रहण समारोह में राज्य मंत्री संदीप सिंह ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने आमजन की समस्याओं को भी सुना और अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर उन समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए महिला कोच द्वारा लगाए गए छेड़छाड़ के आरोपों पर राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि महिला कोच द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद और झूठे हैं। उन्होंने कहा कि SIT चंडीगढ़ की टीम इस पर जांच कर रही है और उन्हें पूरा विश्वास है कि चंडीगढ़ की टीम सच का सच और झूठ का झूठ साबित कर देगी। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि किसी के आरोप लगाने से कोई भी व्यक्ति दोषी साबित नहीं हो जाता है। उन्होंने कहा कि जल्दी ही कानून प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और सबके सामने सच का सच और झूठ का झूठ साबित हो जाएगा। की जांच चल रही है चंडीगढ़ पुलिस की और मुझे पूर्ण विश्वास है कि दूध का दूध और पानी का पानी। सर, ये चीज़ें तो राजनीतिक हैं और स्वाभाविक है कि ये उनका किसी और रूप में नहीं तो किसी रूप में भी उनको करना है। दोष लगा देने से कोई दोषी नहीं होता है। जाँच चल रही है। मैंने ही पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि जांच होनी चाहिए और जांच हो रही है। SIT चंडीगढ़ की जांच कर रही है, चंडीगढ़ की पुलिस जांच कर रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस मामले में दूध का दूध पानी का पानी। इसके अलावा हरियाणा के प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की प्रक्रिया होने के बाद अब जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से गांव के विकास को गति दी जाएगी। इसके लिए जल्द ही गांव का दौरा करके जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामवासियों से गांव में होने वाले कार्यों की डिमांड ली जाएगी। काफी लोगों के चेक जो काफी समय से पीछे 4 सीटें लगी थी तो अब उनके चेक बने हैं तो लोगों के उनकी सहायता, चाहे वो किसी की घर की हालत ठीक नहीं है, किसी की एजुकेशन बच्चों को देने के लिए या किसी रूप में भी हमने वो जो अपने DQ से जो चेक लगे हैं तो वो दिए हैं। तो मैं कामना करता हूँ कि उससे उनका परिवार और उनका भविष्य उज्ज्वल हो। आपको बता दें, प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी मंत्री संदीप सिंह ब्लॉक पंचायत समिति के कार्यालय में नव निर्वाचित चेयरपर्सन पिंकी देवी के पद ग्रहण कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ब्लॉक समिति के सभी सदस्यों को साथ लेकर चलना अब चेयरपर्सन की जिम्मेदारी है। पंजाब केसरी TV के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।